JF-17 थंडर तैयार है, जिसको प्राइड ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है, वो भी टेक ऑफ के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं जी, कैमरामैन दिखाइएगा। मेरे तो लग गए। जब से हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का जन्म हुआ है, तब से कम 4 बार भारत के ऊपर मेजर अटैक कर चुका है, 4 बार भारत पे युद्ध थोप चुका है और चारों बार इस पाकिस्तान नाम के मुल्क ने मुंह की खाई है। वाह मोदी जी वाह। हमेशा जीत का सपना लेके भारत पे अटैक किया, लेकिन हर बार टाइम फिस। फिक्र ना करें। मगर क्यों? लोग भूल जाएंगे इसको। और सबसे कमाल की बात तो ये कि अपनी हार को स्वीकारते नहीं है, बल्कि ये कहते हैं हम जीत गए थे, हम जीते थे। हमारे पास था जज्बा ईमानी, उस जज्बा ईमानी की वजह से हो गए थे जो टैंक छोड़कर वो भाग गए थे। वो टैंक आज हमारी कस्टडी में, पाकिस्तान की कस्टडी में नहीं चलेगा। कि ये सब कुछ प्लान पाकिस्तान ने किया था और जानबूझ के ये करवाया गया था। और यही गलतफहमी एक पाकिस्तानी पत्रकार है फिजा खलीफा, उसने पाली हुई है। पाकिस्तान ने भारत को धूल चटा दी, पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दो चार किया। मैं श्योर हूँ इस बात पे, मुझे श्योर है कि पाकिस्तान जीता नहीं चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान इंडिया से 1965 में जीते थे। पाकिस्तान में आज भी जंग आपस में लड़ी जा रही है। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? और इंडिया दुनिया से लड़ रहा है। तेरा बाप आया। और पाकिस्तान तो पूरी दुनिया के अंदर झूठ बोलने में माहिर है, इनकी तो कोई मिसाल ही नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसा शख्स हो जो इनके बराबर का झूठ बोल सके? कतई नहीं है भैया, कतई नहीं है। 1965 की जो जंग थी अफवाज पाकिस्तान ने, वो बड़ी खुश इखलाकी से और जुर्तमंदाना अंदाज से जीती। इनका कोई सानी नहीं है झूठ बोलने में। क्या था, पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को उकसाया था? नहीं, मैं इस बात को नहीं मानती कि पाकिस्तान ने उकसाया। 1965 की वार को लेकर पाकिस्तानी पत्रकार फिजा खलीफा ने करे बड़े बड़े दावे, ऊंचे ऊंचे दावे, और आज वो पहुंच भी गई है एयरपोर्ट के अंदर। अच्छा, आज हम मौजूद है पाकिस्तान एयरफोर्स की एक ऑपरेशनल बेस पर। लेकिन फिजा खलीफा का मुंह काला करेंगे हमारे खान सर, जो फिजा खलीफा को बताएंगे सच क्या है और झूठ क्या है। आतंकवादियों को माफ करना या ना करना ऊपर वाले का काम, लेकिन आतंकवादियों को ऊपर वाले तक पहुंचा देना ये इंडियन आर्मी का काम। तो आज फिजा खलीफा की खान सर लेने वाले अच्छे से। और आज हम आपको बहुत कुछ यहाँ से दिखाएंगे, उससे पहले जरा 1965 के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी। 1965 में जो पाकिस्तान को बने हुए 18 साल हुए थे, यानी 2 decades पूरी नहीं हुई थी, तो भारत जो कि पाकिस्तान के वजूद को हजम नहीं कर पा रहा था, भारत की आंखों में खटकता था पाकिस्तान का वजूद, तो भारत ने पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की, पाकिस्तान को मैली आँख से देखने की कोशिश की। और हमारा मुल्क जो कि अगर हम देखें फ़ौज के लिहाज से कि हमारे पास तादाद उतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी भारत के पास थी, भारत ना सिर्फ रकमे में बड़ा मुल्क था बल्कि भारत के पास फौजियों की तादाद ज़्यादा थी, भारत के पास इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा था, भारत के पास पैसे थे, भारत के पास बजट था, लेकिन हमारी फौजियों की तादाद बेशक कम थी, हमारा बजट कम था, हमारा इक्विपमेंट उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन हमारे पास था जज्बा ईमानी। उस जज्बा ईमानी की वजह से पाकिस्तान ने भारत को धूल चटा दी, पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दो चार किया, पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दो चार किया। आर यू कॉमेडी? पाकिस्तान ने 1965 में जिस तरह महारत का मुजाहरा किया, स्किल्स दिखाए हमारे पायलट्स ने, उस पर आज तक लोग हैरान हैं कि किसी मुल्क को बने हुए अगर 2 दहाइयाँ भी नहीं हुई और वहाँ पर इक्विपमेंट भी इतना ज़्यादा नहीं था, उनके पास पैसा भी इतना ज़्यादा नहीं था, बजट भी इतना ज़्यादा नहीं था, फौजियों की तादाद भी इतना ज़्यादा नहीं थी, लेकिन स्किल्स कहाँ से आए, महारत कहाँ से, जज्बा कहाँ से आया? तो मुझे लगता है जज्बा कहाँ से आया, क्योंकि पाकिस्तान का वजूद अमल में आया था इस्लाम के नाम पर, और जो इस्लाम के नाम पर मुल्क बना है वहाँ पर हमारे जो जितने भी एयरफोर्स के जितने भी हमारे पायलट्स हैं जिन्होंने 1965 की जंग में भारत को धूल चटाई, शिकस्त से दो चार किया, ये जो जज्बा ईमानी है ये ईमान का जज्बा है और बतौर मुसलमान हमारा यकीन है। लेकिन वो कहते हैं हम लाहौर तक आ गए थे, 2 दफ़ा लाहौर तक आए, ये तो हमारी भी तारीख या हमारे जो उनसे बड़े हैं जो हमारे मीडिया है वो भी हमें यही बताता है कि वो 2 दफ़ा लाहौर में आके नाश्ता कर रहे थे। अब
पाकिस्तान को लगा कि भारत जो है 1965 की युद्ध में बहुत बुरी तरह से हारा हुआ है, यही 62 की युद्ध में बहुत बुरी तरह से क्या हुआ है, हारा हुआ है, यही मौका है किस पर हमला करने का, भारत पे। फिर से होगा गजवाए हिंद, गजवाए हिंद तोरा करते हैं, अजब हाल है। भारत पर क्या किया जाए, आक्रमण किया जाए। और 65 में भारत में पड़ गया सूखा, यहाँ पे भारत में पड़ गया सूखा। और 62 की लड़ाई में हम लोग बहुत बुरी तरह हारे थे, सेना का मनोबल एकदम टूटा था। पाकिस्तान ने कह दिया गुजरात का कच्छ मेरा है, यहाँ पे घुस गया सब पाकिस्तान वाला, यहाँ पर घुस गया। अरे बलवंत राय मेहता का जहाज मार के गिरा दिया सब, बलवंत राय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उसे मार के गिरा दिया सब वहाँ। ये बहुत बहुत बवाल हुआ यहाँ पर, लेकिन कच्छ करण खाली एरिया है, इसमें वो घुसे सब, भारतीय सेना बिछा दिया उन लोग, मर गए सब, पूरा साफ दूर दूर तक दिखाई दे रहा था, धर 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 मार के भारतीय सेना बिछा दिया सब यहाँ कच्छ के रण में 1965 की लड़ाई में। अब पाकिस्तानी जो होते हैं सब, याद रखिए बाबू, पाकिस्तानी किसी भी लड़ाई में मजहब को जरूर घुसाएगा। कश्मीर में घुस गए सब पाकिस्तानी, और कश्मीर में घुसकर भारतीय सेना को मारते थे, आगजनी करते थे, बवाल मचाते थे, ये दिखाना चाहते थे कि कश्मीर की जनता भारत में नहीं रहना चाहती है। और इस वजह से पाकिस्तान भारत पर क्या करना चाह रहा है, युद्ध करना चाह रहा है। उसने ऑपरेशन जिब्राल्टर चालू किया, क्या चालू किया, ऑपरेशन जिब्राल्टर। ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत उसने क्या किया कि कश्मीर को सोचा कि काट दे बाकी के हिस्से में, और बहुत ही बड़ी संख्या में सैनिक भारत में घुस गए। और हमारे सामने समस्या ये थी कि अभी 62 का युद्ध खत्म भी नहीं, मतलब अच्छे से खत्म नहीं हुआ, जवाहरलाल नेहरू का टेंशन से मौत हो गई, जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु का कारण भारत पाक युद्ध था, भारत चीन युद्ध, सब जिम्मेदार यही थे, तो दूसरे कौन बोली सुनेगा। देर होशियार बनेंगे, गुट निरपेक्ष रहेंगे, एयरफोर्स का यूज ना करेंगे, 20 साल जरूरत है तो 20 साल बोलेंगे, समझ में आया कि नहीं आ गया भाई। जब उसने कश्मीर पर आपके रेडी नहीं हुआ, कश्मीर पर जब रेडी नहीं हुआ तो तिब्बत पे क्या रेडी हो गए, नहीं समझे। आपको भी कहना चाहिए कि हम उसमें अध्ययन करने के बाद हम देखेंगे यहाँ पर पाक, यहाँ पर कश्मीर, लाल बहादुर शास्त्री उस समय भारत के क्या थे, प्रधानमंत्री, उन्होंने देखा कि तो बहुत दिक्कत की बात, पाकिस्तान के पास कई फायदे थे, उसके पास सेवर जेट थे, उस समय का सबसे खतरनाक विमान था, और उसमें हीट सीकिंग मिसाइल लगी थी, या विंडर मिसाइलें थी साइड में, मारता था कौन, भारत के पास कोई मिसाइल नहीं थी, भारतीय जहाज में बंदूक लगा था, और उसके पास हीट सीकिंग विंडर मिसाइलें थी, मार देती थी जहाज की इंजन सूंघ के। अब हवा में तो कहीं गर्मी का सवाल पैदा नहीं होता, अगर गर्मी है मतलब जहाज का इंजन है, और उसी को हीट सीकिंग मिसाइल थी, विंडर मिसाइलें मार देती थी, पाकिस्तान भारतीय जहाजों को मार के गिराने में सक्षम था। पाकिस्तान को अमरीका ने पैटर्न टैंक दिया था, उस समय का सबसे खतरनाक टैंक, पूरी एशिया में कोई ऐसा हथियार ही नहीं था जो पैटर्न टैंक को मार के गिरा सकता, पाकिस्तान का मनोबल सातवें आसमान पर। और भारत के सामने सब समस्या, 62 में बहुत बुरी तरह हारे थे, भारत में नेतृत्व की कमी थी, लाल बहादुर शास्त्री आए थे चुनाव से, तो अचानक है ना, लाल मृत्यु हो गई जवाहरलाल नेहरू की, ये आए, सूखा पड़ा हुआ था, पाकिस्तान में ऐसी कोई समस्या नहीं थी, पाकिस्तान ने देखा यही मौका है, पाकिस्तान ने यहाँ गुजरात पर हमला किया, कोई फायदा नहीं हुआ, कश्मीर में घुस के पूरा बवाल करा दिया कश्मीर में, और यहाँ ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत घुसा दिया। भारतीय सेना जब आई तो पाकिस्तान को वहां से मुंहतोड़ जवाब देना चालू किया, और यहाँ पर एक के दिन में जो ऑपरेशन जिब्राल्टर का जो हेड ऑफिस था, एक के दिन में उड़ा दिया यहाँ पे ऑपरेशन जिब्राल्टर की इनकी हवा निकल गई, पाकिस्तानी सैनिक भागने लगे थे यहाँ से। तो यहाँ हमारी थल सेना ने बहुत ही बहादुरी का परिचय दिया, लेकिन यहाँ पर उसकी एयरफोर्स भारी पड़ गई, एयरफोर्स के जहाज जो थे उसके, उसमें ना मिसाइलें लगी थी, और मिसाइल खुद ढूंढ के मार देती है, अब बंदूक में क्या है, मशीन गन लगा है, जहाज को टेढ़ा करना पड़ेगा, इसे करके मारना बहुत मुश्किल हो जाता है। और उसकी दुनिया की सबसे खतरनाक जहाज एयरफोर्स नहीं था सर उस समय, तो अभी भी नहीं आया है, रेडी नहीं हुआ, अभी आ रहा है, क्या बात करते हो, उस समय टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, एयरफोर्स तो दुनिया में कहीं नहीं था, तो उसके पास वेंडर मिसाइलें थी, मार देती थी धाएं से, कोई जहाज नहीं उड़ता था उसके आगे डर के मारे। हमारे पास सबसे घटिया जहाज उस समय का नॉट विमान था, उसके पास सेवर जेट, स्टार फाइटर, सेवर जेट, उस समय का सबसे उन्नत जहाज, और उसमें हीट सीकिंग मिसाइल, वेंडर मिसाइलें लगी थी, हमारी जहाज मार के गिरा दिया, उड़ने नहीं दिया। हाँ तो तब हो गया, श्रीनगर एयरबेस पे आके बम मार के चल गए, तब क्या किया जाएगा, तो भारतीय सैनिक भी कहां जुगाड़ लगाया सब। इसने कहा एक काम करते हैं, पाकिस्तान के जो सेवर विमान है इनको हम लोग चकमा देते हैं। इन्होंने क्या किया, अपने नाट विमानों को बहुत ही हाइट पर उड़ाया, किसको, नाट विमानों को, ताकि ये रडार के पकड़ में आ जाए। इन घोचुओं को समझ में नहीं आया, नाट विमान किसके पकड़ में आ गया, रडार में, और इन लोगों ने उड़ा दिया किसके खिलाफ, नाट विमान के खिलाफ। अब नाट विमान कमजोर थे, और ये स्टार विमान थे, इनका पीछा करने के लिए ये ऊपर गए। अब मशीन गन की लड़ाई में देखिए, हमारे पास मिसाइलें नहीं, हमारे पास क्या था, मशीन गन अगर लड़ाई में रहेगी तो उसी को फायदा होगा जो पीछे है या फिर ऊपर है, धाए धाए मार देगा। अब पता चला आप आगे हैं, पिछुआ से वो है, तो घूमे के मारेंगे, इसे
मार देगा पीछे से, और उसके पास तो मिसाइल है। तो भारत ने फंसाया एयरफोर्स ने, नाट विमानों को क्या किया, ऊपर भेजा, और इनको था कि तुम भागा ना, रडार में ये पकड़ा कर चल गए, और नीचे से भारत ने बाकी के 10 नाट विमान को नीचे से उड़ा दिया। ये रडार में अइबे नहीं किया, इन घोंचुओं को पता नहीं है, ये मारने गया सब उसको, ये मारने गए इसको, ये चल गया सब हाइट से इधर से ले, ये इधर से क्या हो गया सब भाग गया सब, इनको लगा कि भाग रहा है भारतीय, मारो गजवाए हिंद, अरे ससुरा गजवाए हिंद, तुम्हारा बाप आ रहा है। भारतीय सेना वायुसेना के नाट विमानों ने उस समय के सेवर जेट विमानों को इस तरह से मारा कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने कहा कि सेवर जेट विमान अब उड़ान नहीं भरेंगे। लो समझे तो नहीं, इसे कहते हैं खौफ क्या होता है यहाँ पर, और यह हमेशा से होता रहा है। अमेरिका में कमेटी बैठाई गई कि नाट विमान कैसे मार दिया रे उसको, स्टार विमान नाट विमान यही होते रहेगा। अब समस्या समझिए, उस चोटो के पास बहुत दुविधा थी, अगर वो इसके खिलाफ उड़ान नहीं भरेगा तो ऑलरेडी ये हाइट पे है मार देगा, और उड़ान भर रहा है तो ये घेर के मारेगा, जाओगे कहां सबसे तुनाई, दोनों हाथ में आगे खाई पीछे कुआं, मरोगे यहां पे। एयरफोर्स उसकी चौपट हो गई, और इतना बेहतर शुरुआत में हमारी एयरफोर्स चौपट हुई थी, इसलिए हमेशा याद रखिएगा हथियार मायने नहीं रखता है, चला कौन रहा है ये मायने रखता है। आज भी दुनिया सबसे विश्वसनीय जहाज, दुनिया में सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ा है F-16 जहाज, ये अब बहुत मॉडर्न जहाज है, अमेरिका का ही दिया है, और सेवर जेट भी किसका दिया था, अमेरिका का ही, और स्टार विमान भी किसने दिया था, अमेरिका ने, हीट सीकिंग मिसाइल अमेरिका, वेंडर मिसाइल अमेरिका, धो दिया यहाँ पर F-16, अभिनंदन लेके गए थे MiG-21, इसे उड़ता हुआ ताबूत कहते हैं, दुनिया का सबसे पुराना जहाज है, झर गया इसका पेंट ओंट भी, लेकिन इससे मार दिए किसको, F-16, अरे इसमें एक के को इंजन है ना, इंजन में फेल हो गया था इनका, स्टाल पोजीशन कहते हैं, बहुत ज्यादा हाइट कर देते जहाज स्टाल कंडीशन में चला जाए, इंजन फेल हो जाता है, इसलिए इनके ऊपर मिसाइल हिट कर गई, अदरवाइज मिसाइल हिट नहीं करती, डबल इंजन रहता तब। और दूसरा विमान भी है 1980 का, आपके पास 1980 का मोटरसाइकिल है, क्या हाल होगा, लेकिन हिम्मत देखिए उस आदमी का कि लेके उड़ गया, और किसको मारने के लिए, मारियो दिया उसको, वो तो दूसर का आके ना मार दिया यहाँ पर। और दूसरी बात, वो पाकिस्तान की टेरिटरी में थे, हिम्मत देखिए उन सब के पास, इतना उन्नत जहाज होने के बावजूद यहाँ नहीं आया, दौड़ा दिए वहां पर, अरे वो तो गलती हो गया ना, सुखैया पीछे था, सुखोई 30 MKI थोड़ा सा पीछे था, नहीं तो उनका सोचा लाहौर में घुस के उनको तबाही मचा के आता। तो 65 की युद्ध में एयरफोर्स ने क्या कर दिया, धावा बोल दिया, और भारतीय सैनिक तो मनोबल आगे था ही, अरे भाई एयरफोर्स के चक्कर में ना भारतीय सैनिक आगे नहीं बढ़ रहे थे, जब एयरफोर्स ने भारतीय सेना को कहा कि आप टेंशन मत लो उनकी एक जहाज नहीं उड़ेगी, तो भारतीय सेना अगले दिन लाहौर पहुंच गई। लाहौर पहुंच गई थी, और लाहौर के स्कूल पर पाकिस्तान का झंडा हटा के और वहां तिरंगा झंडा लहरा दिया गया था वहां, ये हकीकत है। भैया आप लोगों के पास जितने भी टिश्यू पेपर वगैरह हो सब फिजा खलीफा के लिए रिजर्व कर लीजिए, क्योंकि जब भी ये फिजा खलीफा इस वीडियो को देखेगी तो वो जरूर कोने में बैठ के सूखेगी, रोएगी, बिलबिलाएगी। बात तो सही है। तो फिजा खलीफा जी इतना झूठ मत बोलिया कीजिए, जो सच हो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। सही बात है। और आप लोगों को क्या विचार है फिजा खलीफा के झूठ और प्रोपेगेंडा के ऊपर, उसके लिए आप कमेंट सेक्शन आपका ही है, फेल दीजिए फिजा खलीफा को। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाते रहता। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।